आइए आपको सीधे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ले चलते हैं, जहाँ पर आदिवासी कला के रंग और नृत्यों का आपको बता दें सशक्त यहाँ पर प्रदर्शन किया जाने वाला है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज अब से कुछ ही देर में होने जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रायपुर पहुंच चुके हैं। 5 अंतर्राष्ट्रीय देशों के कलाकार भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। सहयोगी हेमंत शर्मा कार्यक्रम स्थल से हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, उनके साथ चर्चा की शुरुआत। हेमंत, कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और जो छत्तीसगढ़ की मूल परंपरा है उसका प्रदर्शन देश और दुनिया के सामने किया जा रहा है। हाँ, देखिए राजकुमार, कुछ देर बाद जो कांग्रेस के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा सहित तमाम वो बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार मंच की तस्वीर दिखाएं। काफी भव्य मंच यहाँ पर बनाया गया है और बड़ी संख्या में वहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं, क्योंकि कई सारे अतिथि यहाँ पर आ रहे हैं। सरकार ने सभी अतिथियों को आमंत्रित किया है। मुख्य रूप से बात की जाए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, गुलाम नबी आजाद जो राज्यसभा सांसद हैं, पीएल पुनिया, और इसके अलावा तमाम जो छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। काफी भव्य कार्यक्रम इसको बनाया गया है। 27, 28, 29 तीन दिन का ये पूरा आदिवासी नृत्य महोत्सव हो रहा है और छत्तीसगढ़ में पहली बार यह महोत्सव हो रहा है, इस लिहाज से काफी ये महत्वपूर्ण हो गया है। अगर बात की जाए तो राहुल गांधी एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं वो बस पे सवार होकर कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर बस 5 से 10 मिनट में जो तमाम अतिथि हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम जो मंत्री हैं वो वहाँ पर एयरपोर्ट उनको रिसीव करने गए थे और अब कुछ देर बाद राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा तमाम अतिथियों के सामने बेलारूस, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ सहित दो और जो राज्य हैं उनके कलाकारों के द्वारा यहाँ प्रस्तुतियां भी दी जाएगी। बिल्कुल, वाकई में नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2019 का आगाज है, क्योंकि एक नेशनल लेवल का ये पूरा कार्यक्रम है। सत्ता पक्ष के तमाम लोगों की जानकारी आपने दे दी, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी भी राज्य में है, विपक्ष में बैठी हुई है, और केंद्र सरकार की तरफ से कौन कौन केंद्रीय मंत्री, क्या उनकी भी शिरकत देखने को मिलेगी? कहीं ऐसा ना हो कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस कार्यक्रम के जरिए शुरू हो जाए। फिर देखिए, केंद्रीय मंत्रियों को निमंत्रण दिया गया है, हालांकि कोई भी केंद्रीय मंत्री आज यहाँ पर नहीं पहुंचेगा और न ही 3 दिनों के दौरान कोई ऐसा कार्यक्रम केंद्रीय मंत्रियों का है। हालांकि सरकार ने जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको खुद जाकर वहाँ पर निमंत्रण दिया था, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 3 जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इस आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होंगे। आज की बात की जाए तो आज भी 1 या 2 जो मुख्यमंत्री हैं राज्यों के वो शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ छत्तीसगढ़ बीजेपी की बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, राज्यसभा सांसद, माफ करिएगा, लोकसभा सांसद सुनील सोनी, इसके अलावा जो यहाँ के लोकल विधायक हैं रायपुर पश्चिम दक्षिण के ब्रिजमोहन अग्रवाल, उनको आमंत्रित किया गया है। उनका जो नाम है, जो निमंत्रण कार्ड है उसमें उल्लेख है, तो ये संभावना जताई जा रही है कि ये तमाम नेता भी इसमें शामिल होंगे। हालांकि इसको लेकर राजनीति काफी गर्म हुई थी। कल ही बीजेपी की ओर से बयान जारी किया गया था कि नेताओं को, जो बीजेपी नेता है उनको वहां पर निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल हेमंत, हम चाहेंगे कि वहाँ मौजूदा तमाम लोगों से आप बातचीत भी कीजिए, चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। लेकिन बहरहाल बुलेटिन में अभी वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी।